हेलो ट्रेडर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 30 अप्रैल हम यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। कल का दिन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी की हमें यहाँ पे एक्सपायरी देखने मिलेगी, क्योंकि 1 मई मार्केट को छुट्टी है, हॉलीडे है, तो डेफिनेटली जो एक्सपायरी है वो एक दिन पहले शिफ्ट हो जाएगी। तो कल बेसिकली हमें बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देखने वाली है। एंड अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट हमें 50,000 भी दिखाई दे रहा है काफी इजीली। काफी टाइम के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक रिकवरी दी है, तो काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अभी 50,000 टच कर दे या फिर उसके ऊपर चला जाए। तो चलिए इन डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या यह पॉसिबल है, कौन से लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद हो सकता है, पर हम वहां पे किस तरह ट्रेड प्लान कर सकते हैं विद सम लॉजिक। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमें थोड़ा बड़ा पिक्चर देखना है। मैंने टाइम फ्रेम यहाँ पे नॉर्मली 15 मिनट्स के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने चूज किया क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा आपको टाइम फ्रेम दिखाना है। तो व्हाट वी आर सीइंग इज बेसिकली रफली मार्केट रेजिस्टेंस लिया है, फिर से एक रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास आ चुका है। टेक्निकली ये जो पैटर्न आप देखते हो कि डाउन साइड से भी यहाँ पे समवेयर लाइक इस तरह से एंगल बन चुका है, तो ये एंगल जो होता है ये बेसिकली सेल ऑफ के हिसाब से बनता है, ना कि ब्रेकआउट के हिसाब से। बट अभी इतना बड़ा जो स्पेस है 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर हम लेते हैं, तो एक कैंडल भी अगर यहाँ पे एक बड़ी बनती है, लेट्स से इस तरह से कुछ ब्रेकआउट वाला कैंडल भी बनता है, तो दैट इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, मतलब एक कुछ अलग नहीं होगा। एक हो सकता है मार्केट ऊपर जाए फिर से यहाँ पे रिकवरी करते हो, मतलब फिर नेक्स्ट कैंडल इस तरह से नीचे आ जाए और वो उसी स्ट्रक्चर में मार्केट फिर से हमें आते हुए दिखाई दे। या फिर दूसरा हो सकता है मार्केट को इस स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट किए बिना ब्रेकआउट देते काफी बड़ा मोमेंटम दिखा दे। देखिए हमें दोनों सिनेरियोज के लिए रेडी रहना है। टेक्निकली ये होने के चांसेस ज्यादा है कल होके गैप अप होके मार्केट नियर बाय 45,000, नॉट नेसेसरी एग्जैक्ट 45, उसके आजू बाजू 100-150 पॉइंट ऊपर या नीचे खुलने के बाद रिट्रेस करते हुए वापस इसी जोन में आने के चांसेस ज्यादा है। तो कल गैप अप अगर खुलता है हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, डायरेक्टली बाइंग करने में कोई मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर कोई लेवल नहीं मिलेगा, मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो 50,000 क्रूशियल लेवल है। अगर मार्केट 50,000 के नीचे सस्टेन करने लगता है तो हमें मार्केट में फिर एक रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखना है, क्योंकि आज एक कंटिन्यूस ग्रीन बन रहा, तो ये मार्केट ऊपर आ रहा है, तो जिन लोगों ने बाइंग की है डेफिनेटली लोग प्रॉफिट है। अगर किसी ने BTST भी लिया होगा लास्ट मोमेंट पे, अगर किसी ने बाइंग भी की होगी तो डेफिनेटली उन्हें भी गैप अप खुलने के बाद एक प्रॉफिट दिखने वाला है। 50,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, तो काफी लोग यहाँ पे अगर थोड़ा भी सेल ऑफ दिखा तो उसके बेसिस पे प्रॉफिट बुक करने जा सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सेल ऑफ दिखने के बाद पुट में नहीं जाना है, कभी भी फर्स्ट साइन ऑफ सेलिंग बाइंग मार्केट में अच्छा नहीं होता है। ठीक है, सेलिंग मार्केट में फर्स्ट साइन ऑफ सेलिंग गुड, बाइंग मार्केट में फर्स्ट साइन ऑफ बाइंग इज गुड। जैसे कि कल हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि हमें बस देखना है कि प्राइसिंग कहाँ बनाता है। 350 के ऊपर अगर मार्केट इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, हम बाइंग के हिसाब से जा सकते हैं। और अगर 15 मिनट्स का चार्ट देखते भी हो, मार्केट ने एक्जैक्टली जैसे एक्सपेक्टेड था ऊपर गया, रिट्रेस किया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाते हैं, मार्केट ने मोमेंटम किया, तो मार्केट चांस देता है। ओके, बस आपको वेट करना है, आपका अगर सेटअप मिलता है तो ही ट्रेड लेना है, वरना बस आपको मार्केट को ऑब्जर्व ही करना है। जैसे कि आज अगर आप देखते हो कैंडल जो ऑप्शन के चार्ट है, जब भी एक ब्रेकआउट आ रहा था मिनिमम 50-60 पॉइंट वो मूव कर रहा था, तो मेरा जो 20 पॉइंट का सेटअप है जो नॉर्मली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ टेलीग्राम के ऊपर, वो मुझे वहां पे नहीं दिखा, तो वो ट्रेड में नहीं ले पाया। लेकिन डेफिनेटली जो बाकी टाइप के जो ट्रेड होते हैं, जैसे स्कैल्पिंग हो गया या फिर नॉर्मल होल्डिंग ट्रेड हो गया, वो आराम से उस सेटअप में बैठ गए। ठीक है, तो अलग अलग सेटअप आपको इसीलिए आपको बैकअप के रखना है कि आपसे ये ना हो कि किसी दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए और आपसे वो मिस आउट हो जाए। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, गैप अप खुला, ये हमारा बेसिकली सिनेरियो कंसीडर हो चुका है कि क्या किया जा सकता है। अगर गैप अप खुलता है तो हम यहाँ पे हल्का से रिट्रेसमेंट के हिसाब से प्लान करेंगे, लेकिन मार्केट को यहाँ पे प्राइजेक्शन बनाना पड़ेगा, तब भी हम उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। फर्स्ट सेल ऑफ में सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि वो तुरंत बाउंस होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग वेट ही कर रहे हैं कि कब थोड़ा नीचे मिल जाए ताकि हम फिर से बाय कर लें। लेकिन फिर से जब मार्केट नीचे आएगा तो उनके स्टॉप लॉस हंट होंगे, उस केस में हमें एक रिट्रेसमेंट ट्रेड मिलेगा, सेल ऑफ नहीं मिलेगा, रिट्रेसमेंट ट्रेड के हिसाब से हम बात करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि मार्केट फिर से स्ट्रक्चर में आ सकता है। दूसरा, फ्लैट खुलता है तो मार्केट इस मोमेंटम को फिर से थोड़ा कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, तो उस केस में अगर हाई ब्रेक होता है, रफली आप बोलो 49,440-50 इस जोन को ब्रेक करता है आफ्टर ओपनिंग फ्लैट, फिर से यह बाइक मोमेंटम आएगा, 100-150 पॉइंट यहाँ पे मिनिमम मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद में भी फिर रिट्रेस कर दे या फिर और कंटिन्यू कर दे, लेकिन वो मोमेंटम जो है मॉर्निंग मोमेंटम वो आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। तीसरा केस ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुले। देखिए गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट हमें थोड़ा बाइंग की तरफ देखना है। क्यों? नॉर्मली एक मोमेंटम किया, फिर रिट्रेस होगा, फिर मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। गैप डाउन खुलना मतलब रिट्रेसमेंट ऑलरेडी आ चुकी है, उस केस में हमें बस वेट करना है कि क्या मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद फिर से इस जोन के आसपास, रफली 49,000 के आसपास कुछ हमें बाइंग मोमेंटम दिखाता है, उसके ऊपर भी आ सकता है, लेकिन टेक्निकली जो पैटर्न्स के हम देख रहे हैं ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई था,
यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी आया था, तो मार्केट इस जोन के आसपास अगर कुछ स्ट्रक्चर बना तो यहाँ पे ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तो वो एक हमारे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा बाइंग के हिसाब से। दूसरा हो सकता है आप सिंपल यहाँ पे फिबो या फिर सिंपल टूल लगा के आप चेक करो कि यहाँ से कितना मोमेंटम किया है, इसका 50% कहाँ पे आ रहा है, रफली 48,900 उस जोन के आसपास भी अगर हमें कुछ एक रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट एक एक्लिमेशन एक रेंज बनाते हुए दिखता है और अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो वहां पे भी हम थोड़ा बाइंग के हिसाब से देख सकते हैं। जो लोग फिबो का इस्तेमाल जानते हैं वो डेफिनेटली फिबो को जो लेवल्स होते हैं बेसिकली उन लेवल्स का आप यहाँ पे फायदा उठा सकते हो, जैसे कि 0.2 हो गया, 0.38 हो गया एंड 0.5 हो गया, इन लेवल्स के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो ताकि अगर वो मार्केट में ट्रिगर करते हैं तो आप वहां पे बेसिकली ट्रेड प्लेस कर सको इन द केस ऑफ मतलब बाइंग के हिसाब से। तो गैप डाउन खुलेगा तो आपको बाइंग के हिसाब से प्लान करना है, गैप अप खुलेगा तो आपको थोड़ा सेलिंग के हिसाब से प्लान करना है, एंड मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो आपको डेफिनेटली फिर से बाइंग के हिसाब से ही प्लान करना है क्योंकि ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। निफ्टी में देखिए, निफ्टी अभी यहाँ पे ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा दूर है, लेकिन जो आज का दिन था वो बैंक निफ्टी के स्पेसिफिक था क्योंकि जो मोमेंटम आई है वो बेसिकली पीएसयू या फिर आप बोलो फाइनेंशियल सेक्टर से आई है, ठीक है। तो बैंकिंग काफी अच्छा मोमेंटम कर चुका है, ये हो गया बेसिकली बैंक निफ्टी ने किया ओवर परफॉर्म या फिर आप बोलो हाँ ठीक है ओवर परफॉर्म, लेकिन निफ्टी ने क्या किया अंडर परफॉर्म। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बैंक निफ्टी फिर थोड़ा रुक जाएगा एंड निफ्टी यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करेगा, लेकिन निफ्टी का ऑल टाइम हाई ब्रेक करना इज नॉट दैट बिग थिंग। व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि निफ्टी ने बहुत टाइम हमें ऑल टाइम हाई ब्रेक करते हुए हमें दिखा, काफी टाइम मोमेंटम किया, लास्ट टाइम भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, फिर मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आके फिर से अभी अगर ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है तो वो अच्छी बात है, लेकिन इतना कुछ बढ़िया बात नहीं जितना बैंक निफ्टी, क्योंकि बहुत स्ट्रगल के बाद फिर से बैंक निफ्टी ऊपर आया है। बहुत टाइम लगा बैंक निफ्टी को, जब यहाँ पे निफ्टी ऊपर आया था तब बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच नहीं किया था, तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई टच करना एक काफी अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट है ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर्स एज कम्पेयर टू ओवरऑल सारे अगर हम सेक्टर की बात करते हैं। तो निफ्टी देखिए यहाँ पे थोड़ा हमें लेवल्स के ऊपर यहाँ पे देख के ट्रेड करना है कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो वापस मैं 50 मिनट्स चार्ट के ऊपर आपको स्विच करके दिखाता हूँ, यहाँ पे हमें दिखता है कंटिन्यूस यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल से, तो ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो होगा, गैप अप खुलेगा तो हम भी यहाँ पे थोड़ा सेलिंग के हिसाब से देखेंगे, फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो बाइंग के हिसाब से, एंड गैप डाउन खुलता है तो फिर से हमें बाइंग के हिसाब से मार्केट में देखना है। तो गैप अप खुला सेलिंग, फ्लैट खुला बाइंग, एंड गैप डाउन खुला तो भी हमें बाइंग के हिसाब से देखना है, लेकिन जब आपको बाय करना है निफ्टी में तो थोड़ा आपको यहाँ पे डाउन साइड में थोड़ा कॉशियस होकर करना है क्योंकि निफ्टी ने ऐसे कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाया, राइट ये बस नॉर्मल स्विंग क्रिएट करते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल देता हूँ, ये काफी अच्छा मोमेंटम आया, तो टेक्निकली जब मार्केट थोड़ा नीचे आएगा सपोर्ट जोन के आसपास, यहाँ से मार्केट ने एक्लिमेशन करने के ऊपर जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नहीं नीचे आया था, तो यहाँ पे अगर लेट से मार्केट फिर से 50% के पास आएगा तो हम डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग के हिसाब से नहीं देख सकते, मे बी मार्केट इसी तरह का बड़ा स्विंग कर दे यहाँ तक आ जाए, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेन फिर यहाँ पे ऊपर चला जाए, तो निफ्टी में इतना एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी, वहाँ पे काफी वेट एंड वॉच करके या फिर काफी छोटे क्वांटिटी से आपको प्लान करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में क्लियर कट ट्रेंड दिख रहा है, लेवल्स काफी इजी है तो वहां पे इजीली हम प्लान आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल चीज आपको याद रखनी है, कल बेसिकली एक्सपायरी भी होगी तो उसके लाइक फॉर दैट रिगार्डिंग एज अ ऑप्शन बायर आपको थोड़ा प्रीमियम का भी ध्यान रखना है कि प्रीमियम फ्लक्चुएट हो रहे क्या, अगर नहीं हो रहे तो आपके लिए अच्छी बात नहीं है, अगर मार्केट मोमेंटम नहीं कर रहा तो डीके का आपका लॉस होगा, तो वो भी चीज आपको याद रखनी है। तो ये सिंपल सिंपल चीजों के ऊपर आपको कल ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आज 1,000-1,500 का पॉइंट का मोमेंट कर दिया मार्केट, कल भी मोमेंटम कर देगा और मुझे बस यहाँ पे ट्रेड लेके बैठ जाना है, तो वो गलती मत करना, फोमो होने नहीं देना है। एक दिन अगर ट्रेड आपका लेट से मिस भी हुआ है, ऐसा नहीं कि मार्केट कभी 1,000 पॉइंट पूरा जिंदगी में कभी हिलेगा नहीं, राइट, या फिर डेली हिलने वाला है, सिंपल चीज है, ये चीजें बार बार मार्केट में होती रहती है, बस एक चीज होती है कि कभी आप उसको पकड़ोगे कभी नहीं पकड़ोगे, तो बस आपको आपकी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है, ठीक है। आई होप द मैसेज इज क्लियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।